लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप, एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 104 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। यहां देख लेंगे, बोला है कि समचतुर्भुज जिसका परिमाप, तो परिमाप कितना दिया है 104, और हमें पता है परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यह है 104, ए बराबर 104 बटा 4, हम कह सकते ए बराबर 26, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा की लंबाई हुआ 26। आगे बोला है कि जिसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है 48, तो कोई भी एक विकर्ण बना दीजिए, मे बी अब देखिए एक विकर्ण है, कोई एक विकर्ण मान लीजिए, पूरा का पूरा है ये 48 मान लेते हैं, और बताया गया कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंबार्धक करते हैं या समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, जैसे ये समद्विभाजित करेगा तो ये 24 पूरा 48 है, ये 24 हो जाएगा। अब देखिए अभी आपको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपल लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर नहीं डायरेक्ट याद है तो ये त्रिभुज बाहर बना दीजिए, इसी को यहाँ से यहाँ ये काट के बाहर कर दीजिए, ये है 26 और ये है 24 यहाँ से यहाँ तक, और इसको निकालेंगे तो ये आधार मान लीजिए, मान लेते हैं ये ए है, कुछ भी मान सकते हैं, बी मान लेते हैं, ये कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर है, तो कर्ण है 26, 26 का वर्ग बराबर लंब 24 है, 24 का वर्ग प्लस आधार डी है, डी का वर्ग 26 का वर्ग 676 और 24 का 576 प्लस डी स्क्वायर, इसको लेके आएंगे माइनस 676 माइनस 576 बराबर डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर 100, तो डी बराबर 10। अब देखिए 10 आया मतलब ये डी 10 आया है यहां से यहां तक, जब ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10 होगा, दूसरा वाला विकर्ण कितना हुआ 20, यानी पहला वाला विकर्ण जो दिया था पूरा पूरा वो डी 1 था, वो 48 था, डी 2 है 20, और हमें पता है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 एक विकर्ण है 48, दूसरा है 20, इसको काट दिया तो हो गया 10, तो 48 गुणे 10 बराबर 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका समचतुर्भुज का एक क्वेश्चन बचा था, मैंने उसको बता दिया, आज से पढ़ेंगे दूसरा चतुर्भुज। क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत है तो बताया इसमें। साफ कर दें, आज हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज।
तो पहले जानेंगे समलंब चतुर्भुज होता क्या है। ठीक, फिगर बनाते हैं, फिगर के अनुसार उसको हम डिफाइन करते हैं कि है क्या। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही बने। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हो तथा दो भुजाएं असमांतर हो। ये दो भुजा समांतर है, ये दो भुजा असमांतर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर ही हो। ये दोनों बराबर भी हो, बराबर ही हो, ये ऐसे भी बन सकता है। ये दो भुजाएं समांतर है, दो असमांतर है, तो ये समलंब चतुर्भुज है। क्लियर है? अब इसमें जानेंगे कि अगर ये दोनों असमांतर भुजाएं, अगर इन दोनों की लंबाई बराबर है, वो कहलाता है कि समद्विबाहु समलंब। अगर बराबर नहीं है, वो कहलाता है विषमबाहु समलंब। क्लियर है? अब देखिए, इसमें हम बात करेंगे विकर्ण की। अगर ये असमांतर भुजाएं बराबर हैं, तो विकर्ण जो है बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है, तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखिए, परिभाषा आप बना सकते हैं, कहिए तो लिखवा दें। लिखिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके या जिसकी दो भुजाएं समांतर हों, जिसकी दो भुजाएं समांतर हों तथा दो भुजाएं असमांतर हों, दो भुजाएं समांतर हों तथा दो भुजाएं असमांतर हों, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आगे लिखिएगा, यदि असमांतर भुजाओं की लंबाई, यदि असमांतर भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, यदि असमांतर भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, तो उसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। तो उसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। यदि बराबर नहीं है या बराबर ना हो, तो उसे विषमबाहु समलंब कहते हैं। तो उसे विषमबाहु समलंब कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, वही बात है विकर्ण वाली, तो विकर्ण वाली बात आप लोग समझ सकते हैं। अगर ये असमांतर भुजाओं की लंबाई बराबर हुई, तो विकर्ण बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं, तो बराबर नहीं। अब आगे जानेंगे कि जो समांतर भुजाएं हैं, अगर दोनों के बीच की दूरी मान लिया जाए h है, दोनों के बीच की दूरी h, या कभी कभी कहा जाता है कि जो समलंब है उसकी ऊंचाई, ये h है, और समांतर भुजाओं की लंबाई मान लिया जाए a हो और ये b हो, ये पूरा का पूरा है, तो कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, याद रखिएगा, 1/2, ये जो दोनों समांतर भुजाएं हैं इनकी लंबाइयों का योग, कि a प्लस बी गुणे दोनों के बीच की दूरी यानी ऊंचाई।
अब आगे थोड़ा सा जानेंगे अगर कोई समलंब चतुर्भुज है ये असमांतर भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए, मान लीजिए असमांतर भुजा इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो रेखा मिलती इसके समांतर उस रेखा की लंबाई क्या होगी। मान लेते समलंब है ए बी सी डी और ये ई और एफ पर मिल रहा है, इसके समांतर जो रेखा खींची गई है दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रही है, इस रेखा की लंबाई क्या होगी। तो याद रखिएगा दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई के योग के आधे के बराबर होती है। मान लेते अगर इसकी लंबाई ए है इसकी लंबाई बी है, जो ई एफ की लंबाई होगी ए प्लस बी बाई क्यू, ये है। आगे जानेंगे अगर मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर है या समांतर है, फिर इसको बोलेंगे क्या? बताया तो ना ये बताया था कि दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा की लंबाई वही ईएफ है। मान लीजिए दोनों भुजाएं ये बराबर हैं और दोनों का विकर्ण खींचा जाए, अब जो विकर्णों ये विकर्ण है अगर इन विकर्णों के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, मान लेते ये जो विकर्ण इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, दोनों को आपस में मिला दिया जाए, मान लेते इसका मध्य बिंदु ई है ये एफ है, तो ई एफ बराबर क्या होगा। याद रखेंगे अगर भुजा को मिलाया गया है तो योग का आधा होता है, अगर विकर्णों को मिला दिया जाए तो अंतर का आधा होता है, अंतर बोला है माइनस नहीं, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। हाँ बताया तो ना, लिखिएगा क्वेश्चन। अब एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः सोलह सेंटीमीटर व चौबीस सेंटीमीटर है तथा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 17.5 सेंटीमीटर हो तो 17.5 सेंटीमीटर हो तो इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए थोड़ा सा इसको हम फिगर बना के ही लगाएंगे, वैसे आप लगा सकते हैं लेकिन फिगर बनाएंगे तो क्लियर रहेगा। अब देखिए समांतर भुजाओं की लंबाई दिया है 16 व 24, तो अब बताइए आप 16 किसको मानू और 24 किसको मानू, छोटी भुजा जो छोटा हो उसको 16 मानेंगे, ये 16 ये 24, बोला है कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या है 17.5, यानी ये h हो गया, ये समांतर भुजाएं हो गई, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, यानी 16 + 24 गुणे ऊंचाई 17.5, ये हो जाएगा 1/2 16 और 24 40 गुणे 17.5 काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा करेंगे 17.5 35
और जीरो लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस केवल नाम याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर एक घुमा के बोलते हैं। देखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है तथा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 तथा 30, 20 एंड 30, तथा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो इस समलंब का क्षेत्रफल बताइए। क्या बोला है? दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है? दोनों के बीच की दूरी कितना है? 10। सब कुछ पता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग 20 प्लस 30 गुणे दोनों के बीच की दूरी यानी h 10, 30 20 1/2 गुणे 50 गुणे 10, ये काटेंगे तो ये 25 दहा में 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज आप लोगों को बता दो, कुछ लोगों ने कमेंट किया था मैं 250 बोलूं या 250 बोलूं, दोनों का एक ही मतलब है, आप लोग समझ लीजिएगा, है ना? हमको केवल समझना है। क्लियर है? बहुत तेज है आप लोग। क्लियर है? आगे लिखिएगा अगला क्वेश्चन, लिखिएगा एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर व 75 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर व 75 सेंटीमीटर है तथा असमांतर भुजाओं में से, तथा असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? असमांतर भुजा में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसको लगाएंगे, थोड़ा सा फिगर बना लेंगे। अब देखिए ये समलंब चतुर्भुज है, बोला है असमांतर भुजाओं की लंबाई 35 व 75, तो 35 इसको मान लूं और 75 इसको मान लूं, ठीक? और कहा कि दोनों असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है?
तो आ समांतर यही है, अगर ये 25 है तो ये भी 25 है, ठीक। अब क्षेत्रफल पूछा है तो हमने कभी ऐसा रिलेशन इसमें ही नहीं बताया कि क्षेत्रफल कैसे आएगा, तब थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। अब देखिए यहां से इस पर लंब खींचेंगे और यहां से इस पर भी लंब खींचेंगे, थोड़ा समझिएगा। अब देखिए जब ये 35 तो ये भी 35, पूरा कितना है 75। जब ये बराबर है और ये बराबर है, लंब भी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। ये पूरा देखो 35 ले गया 75 में से, बचा कितना 40। अब 40 में 20 इसको देंगे, 20 इसको देंगे, क्योंकि दोनों बराबर लेंगे। अब देखिए 20 35 20 जोड़ेंगे तो पूरा 75 आ गया। अब यहां से हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो यहां से लंब आ जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कर्ण हुआ, देखिए संपूर्ण त्रिभुज दिख रहा है, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब होगा, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 25, 25 का वर्ग माइनस आधार कितना है 20, 20 का वर्ग, तो लंब का स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग 625, ये 400, लंब के स्क्वायर बराबर 225, 225 कौन सी संख्या का वर्ग है 15, तो ये हो गया लंब 15। जब ये 15 हुआ तो ये भी 15 हुआ। अब इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, पहला तो ये भी फार्मूला आपको पता है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी आ गई तो क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, ये 35 ये पूरा कितना 75, 35 प्लस 75 दोनों के बीच की दूरी 15, तो 35 और 75 कितना 110, और ये गुणे 15 और ये 2/2 तो काट दिया, तो आया 55, तो कितना आएगा 825 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका ये है, अब देखिए ये एक आयत बनेगा, आयत का क्षेत्रफल, और ये दो समकोण त्रिभुज बनेगा, एक का निकालिए दो से गुणा कर दीजिए दोनों का आ जाएगा, इसका निकालेंगे इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 10 गुणे ऊंचाई कितना है 15, कितना होगा 15 गुणे 20/2 यानी आएगा 150, 150 ये हुआ, 150 ये होगा। अब ये आयत बना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 35, ये 35 तो ये भी 35 था, और ऊंचाई कितना है 15, तो 35 गुणे 15 कितना होगा 800, कितना होगा 525। देखिए 150 और 150 300, 300 और 525 825, तो तब भी 825 ही आएगा, क्लियर है। अब देखिए आपका ये समलंब चतुर्भुज यही खत्म होता है। अगला लिखिएगा, नोट करेंगे, नोट कर लिए, अच्छा पहला वाला समझ आया है, दूसरा वाला जानना चाहते हैं आप, ठीक है बात नहीं यार। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 है ही, बेस कितना हुआ 20, हाइट कितनी हुई 15, मल्टीप्लाई किया इसको कैंसिल आउट किया कितना हुआ 150। जब ये 150 तो ये भी 150, और यहाँ रेक्टेंगल का निकाल देंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 825। अगला लिखिएगा समांतर चतुर्भुज, पैरालीलोग्राम। सर कह रहे हैं इससे बिल्कुल, हाँ ये वाला जो बोले हैं आप, अभी जो बोला हूँ उसको आप बना सकते हैं, ठीक है, उसको बस केवल उसका रिजल्टेंट है याद रखना है।
लिखिएगा समांतर चतुर्भुज। आ सकता है तो मैंने डायरेक्टली रियल टाइम लिखवा दिया है, ठीक, और बहुत ज्यादा डीपली नहीं आएगा, बस केवल आपको अभी मैं पढ़ाने के बाद पूछूंगा कितने लोगों का पूरा फॉर्मूला याद है, नहीं पांचों चतुर्भुज का, आधे लोगों को तो इधर उधर होने लगेगा कि आयत का बताओ कि समांतर का बताओ, ये किसका फार्मूला होता है। तो पहले जो पांच बताया जाए बेसिक बेसिक बस वही जानिए, बहुत ज्यादा डीप में नहीं आएगा। समांतर चतुर्भुज लिखिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं की लंबाई, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा की लंबाई, भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखिए इसके बिकड़ बराबर नहीं होते इसलिए इसका जिक्र नहीं करेंगे, आप लोग अपने समझने के लिए लिख लीजिएगा, बिकड़ बराबर नहीं होते। लेकिन इसमें जो पूछा जाता है कि समांतर चतुर्भुज में बिकर्णवत कोण क्या होते हैं, अगर यहाँ जो कोण बना है मान लेते हैं अगर यहाँ 55 है तो बिकर्णवत स्थित कोण भी 55 ही होगा। जब ये 55 है तो ये कितना होगा, इससे आप लोग कोण पढ़े होंगे प्रीवियस में पढ़ क्या है, हालांकि फिर से पढ़ाया जाएगा, लिखिएगा समांतर चतुर्भुज में विकर्णवत स्थित कोण बराबर होते हैं। विकर्णवत स्थित कोण बराबर होते हैं तथा दो लगातार कोणों का योग, तथा दो लगातार कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां देखिए, जैसे बताया कि अगर ये 55 है तो ये कितना है, ये भी 55। बताया गया लगातार, कोई भी लीजिए दो लगातार क्रम से लीजिएगा, चाहे ये और ये लिया जाए चाहे ये और ये लिया जाए, दोनों का योग 180 ही होगा। अब देखिए जब दोनों का योग 180 है, ये 55 है तो ये कितना होगा, 180 से घटा देंगे 125 आएगा, जो भी आएगा। ये आपको जो है कोण में काम करता है या इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अब जानेंगे जो समांतर भुजाएं हैं, मान ले कि ये जो है यक्ष है, जब ये यक्ष है तो ये भी यक्ष है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। याद रखिएगा जो आधार है, आधार और इसकी भी ऊंचाई होती है, तो लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मान लेते हैं h, हम कह सकते हैं a इक्वल टू b इंटू h, या आधार आप माने हैं h तो h गुणे h। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि हम यहां से क्यों इसको आधार नहीं मान सकते हैं, यहां से ऊंचाई क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं। याद रखिएगा चाहे जहां से आप ऊंचाई मानिए आधार तो उसी का लेंगे जिस पर वो लंब होगा। ये वाली रेखा इस पर लंब है तो इसको आधार मान लिया, ये ऊंचाई लिख दिया। अगर हम यहां से इस पर लंब खींच दे ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। अगर हम इसको h1 मान लेते हैं तो यहाँ h1 होगा, इसको h2 मान लेते हैं h2 है, यहाँ लंब है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों वही चीज है। अब इसको आधार मान लिया क्या, वाई, अब ऊंचाई क्या हुआ, h2 से y गुणे h2 हुआ।
क्लियर है। आगे जानेंगे, जब दोनों से क्षेत्रफल बराबर आ रहा है तो दोनों एक आपस में क्या है, बराबर है। जरा दोनों को बराबर कर दीजिए, हम कह सकते हैं H1 बराबर YH2। ये रिजल्टेंट है, याद रखिएगा। फिगर बना लीजिएगा इसको। चलें, अब एक ही और पूछ सकता है कि इस बार ऊंचाई ना दे, दोनों में से कोई ना दे। ये वाली भुजा x और ये वाली y ऊंचाई ना दे, कहे दो भुजाओं के बीच का कोण थीटा है, कहीं भी मान लीजिए थीटा, तब पूछे अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। याद रखिएगा, तब इसका क्षेत्रफल होता है एक्स वाई साइन थीटा। आप जो है फिर भी समलंबय बना रहे हैं, समांतर पढ़ा रहा हूं, समलंब का बना रहे हो। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा लिखिएगा। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसके समांतर भुजा की लंबाई, जिसके समांतर भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बताइए, डायरेक्टली दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, हो गया है नहीं बता देते हैं। बोला है कि समांतर कोई भी मान लीजिए किसी का भी ये दिया हो, कितना दिया है 20, ये 20 तो ये भी 20, दोनों के बीच की दूरी क्या दिया है 15। हमें क्षेत्रफल पता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार है 20, ऊंचाई है 15, गुणा कर दिया तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप कर ही ले जाएंगे। अब कोण वाला है, प्लीज लिखिएगा। एक समांतर चतुर्भुज जिसके असमांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः, असमांतर मतलब एक समांतर का दिया होगा, एक इसका दिया होगा जो दूसरे, एक दूसरे का दिया है, लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, तथा दोनों के बीच का कोण 60 अंश है, तथा दोनों के बीच का कोण 60 अंश है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए,
फिगर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक किसी को मान लीजिए 20 दिया है और इसको 30 मान लीजिए और दोनों के बीच का कोण चाहे यहाँ मानिए चाहे यहाँ मानिए कोई दिक्कत नहीं है, आएगा वही आंसर। कितना दिया है कोण 60 अंश, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा एक्स वाई साइन थीटा होता है, तो एक्स वाई 20 गुणे 30 और साइन 60, साइन 60 का मान एक लोग पूछिएगा जिसने पूछा भी हो क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं आप 20-15 यार लिख लीजिए यार, वैल्यू जो भी है वो तो वैल्यू आप अपने से सेट कर लेते हैं बस, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और साइन 60 अंश का मान रूट 3 बाई काट दिया तो 150 आ जाएगा, 150√3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। एक अगला इसका रियल टाइम जानेंगे, बोलें बोलें क्या पहले बनाते हैं, बात नहीं साहब। मान लेते हैं ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, और मान लेते जो इसका ये विकर्ण है वो डी वन है पूरा पूरा, और ये वाला जो विकर्ण है ये डी टू है। कहा जाए भुजाओं तथा विकर्णों में क्या संबंध है, तो याद रखिएगा जो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भुजाएं क्या है, भुजाओं के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर, कहीं से भी रेगुलर चल दीजिए आप, यहां से शुरू करते थे रेगुलर पर आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर विकर्णों के वर्गों का योग, पहला वाला विकर्ण क्या है डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, जोड़ेंगे तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, इसको केवल याद रखना है, ये डायरेक्टली रिलेशन पूछ सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। और बाकी जो मेरे भाई लोग YouTube पर देखते हैं वो थोड़ा सा शेयर कर देंगे अगर अच्छा लगे तो।